की एक छोटी सी वीडियो है स्मोक के हवाले से। तो सब दोस्तों को मेरा सलाम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आप सबको पता ही है पिछले 10 से 15 दिनों में पंजाब भर में स्मोक और फोग चल रही है, तो जिसके बायस मामूली ज़िंदगी थोड़ी सी मुतासर है। स्मोक और फोग हर शख्स पे, बच्चे बूढ़ों और कहीं ना कहीं हर शख्स पे असरअंदाज हो रही है। अगर थोड़ी सी इस पर बात की जाए तो बेसिकली ये क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंज है, तो जो भी अगर अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उम्मीद है जल्द बेहतर हो जाएगी। तो वापस आते हैं हम अपनी ट्रेन की तरफ और रेल की तरफ। स्मोक की वजह से ट्रेन भी कई कई घंटों तक ही तत्काल है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस वक्त कराकरम एक्सप्रेस 41 अब तो कराची से अब आई है। तो बेसिकली इसका शेड्यूल टाइम सुबह 10 बजे का है। वो 6-7 घंटे जो लेट है रास्ते में ट्यूब एंड फोक टोटल ऑलमोस्ट पंजाब में है। तो बेसिकली यही वजह है जिसकी वजह से ट्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हैं, अप भी और डाउन साइड भी। लाहौर से कराची जाने वाली या कराची से लाहौर आने वाली तकरीबन 5 से 4 से मज़ीद आगे कोई घंटे कोई पता नहीं होता। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी स्मोक की भी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन है, मतलब कि आप अपने कवर रहें अगर बिला तो घर से बाहर ना निकलें, उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करें लाजमी जब बाहर जाएँ तो। अच्छा तो दोस्तों इसको थोड़ा सा कवर करते हैं फिर अब हम आगे चलते हैं। एक बहुत ही अजीम दोस्त आ रहे हैं हमारे, उनसे मुलाकात करते हैं फिर बताते हैं आपको। अब मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, G20 आप देख सकते हैं, जो कि सुबह खराम को लीड करेगा लाहौर से रावलपिंडी के लिए। तेजी सब पाक कितने तक की पावर आ रही है जो कि उसे कराची से लाहौर लेकर आया। जस्ट U30 6352 के साथ ये भी ऑलमोस्ट 6 घंटे लेट है। तो कराक्रम से कोई मेरे ख्याल से 5 मिनट पहले आई है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, तो मैं उसे कवर नहीं कर सका, थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। तो हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं जनदेव साहब, ये भी रेल फैन का एक अहम असासा है। जनदेव साहब वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हैं, ये आप देख सकते हैं क्या नाम है, जाफर एक्सप्रेस आ रही है पेशावर रावलपिंडी से चल के लाहौर देन आगे कोयटा के लिए। पिछले कुछ दिनों में मंसूख कर दिया गया था सिक्योरिटी की वजूहत की बिना पर, 4 से 5 दिन बैन होने के बाद अब दोबारा रीस्टार्ट हुई है सेम डेस्टिनेशन और स्टॉपेज के स्टॉपेज पर। वो आप सामने देख सकते हैं हमारे जनदेव साहब बिजी हैं अभी भी वीडियोग्राफी में। तो आज का बेसिकली मकसद थोड़ा सा स्मोक के हवाले से था, आगाही फ्राहम करना और आगे एप्लीकेशन के हवाले से एहतियाती तदाबीर। तो छोटी सी वीडियो बनाई थी, बाकी उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।